भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी चित्रकूट के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने गजेंद्रनाथ शिव मंदिर में जल अभिषेक करने के बाद महिलाओं के साथ शक्ति संवाद करते हुए लड़की हूं लड़ सकती हूं की थीम पर विशेष संवाद किया। प्रियंका गांधी ने कामदगिरी परिक्रमा भी की। 5 किलोमीटर का परिक्रमा पथ नंगे पैर मौन होकर पूरा किया। सलमान खुर्शीद की पुस्तक में हिंदुओं के प्रति विवादास्पद लेख को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनका निजी सोच है। यहाँ पर गांधी ने महिलाओं के साथ अलग अलग करके संवाद किया और उनके हक की आवाज बनने का भरोसा दिलाया। इस कार्यक्रम में 3,000 से ज्यादा महिलाएं मौजूद रही। आज प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। आप सब जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो संघर्ष है वो महिला करती है। कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही मैं ललितपुर गई थी। मैं इसलिए गई क्योंकि मैंने सुना दो किसानों ने खाद की लाइन में खड़े खड़े अपना दम तोड़ा और दो किसानों ने आत्महत्या की। तो मैं उनके घर गई, उनके घर गए तो उनकी एक बेटी थी, बीवी थी, माता जी थी, कुछ नहीं था उनके पास। घर में डूबे हुए थे, खाद की लाइन में खड़े खड़े खाना मिला ना कुछ मिला, घर नहीं आ पाए। क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर खाद लाइन छोड़िए तो एक बार लाइन छूट जाएगी तो खाद नहीं मिलेगी। अच्छी बारिश आएगी। पहले उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी थोड़ा संघर्ष करें, संघर्ष करते करते वहां पर उनकी जिंदगी। जब मैं उनकी बेटी से मिली, उनकी बीवी से मिली, तो घर वक्त वक्त मैंने सोचा कि जो भी हो सबसे ज्यादा मुश्किल तो महिला पे ही होती है। अब वो माँ वो बेटी अकेली अकेली क्या करे। जो कमाने वाला था वो रहा नहीं, घर में और कोई कमा नहीं रहा। इसी तरह से चाहे कोई भी समस्या हो समाज, उसका पूरा बोझ महिला उठाती है। आप सब अपने घरों में महंगाई का बोझ उठा रहे। 250 रुपए के सरसों का तेल मिल रहा है। सरकार कहती है एक सिलेंडर पकड़ा दो, एक मुफ्त का सिलेंडर दे दिया। और सोचती है कि अपना काम ही खत्म हो गया है। सरकार ने ये सोच रखा है कि महिलाओं के लिए ये तोहफे देकर सब काम पूरा हो जाए। आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाह रही है सरकार, आपको आगे बढ़ाना नहीं चाह रही है। जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो तरह तरह की समस्याएं उसके सामने आती है। आप सबने देखा होगा यहाँ जो अधिवक्ता बहन की जो बात कर रही होगी, कितना संघर्ष किया होगा आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस तरह से आपने किया है। और जिस तरह से जो लड़की जो अभी डॉक्टर शिक्षा कर रही है डॉक्टर बनने के लिए, वो भी कह रही थी क्या संघर्ष था उसका। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसको कहीं और जाना पड़े। बहुत बड़े संघर्ष होते हैं महिलाओं के लिए, जिनको आप सब झेल रही है, आप सब कर रहे हैं।